भारत में हनुमान जी को अजेय माना जाता है। हनुमान जी अष्ट चिरंजीवियों में से एक हैं। कलयुग में हनुमान जी ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो अपने भक्तों पर शीघ्र कृपा करके उनके कष्टों का निवारण करते हैं। मंगलवार भगवान हनुमान का दिन है। इस दिन व्रत रखने का अपना ही एक अलग महत्व है। मंगलवार व्रत की कथा और पूजन विधि इस प्रकार से है। प्राचीन समय में ऋषिगण एक केशवदत्त ब्राह्मण अपनी पत्नी अंजलि के साथ रहता था। केशवदत्त को धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। सभी लोग केशवदत्त का सम्मान करते थे, लेकिन कोई संतान नहीं होने के कारण केशवदत्त बहुत चिंतित रहा करता था। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से दोनों पति पत्नी प्रत्येक मंगलवार को मंदिर में जाकर हनुमान जी की पूजा करते थे। विधिवत मंगलवार का व्रत करते हुए उन लोगों को कई वर्ष बीत गए, पर उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। केशवदत्त बहुत निराश हो गए, लेकिन उन्होंने व्रत करना नहीं छोड़ा। कुछ दिनों के पश्चात केशवदत्त पवन पुत्र हनुमान जी की सेवा करने के लिए अपना घर बार छोड़ जंगल चला गया और उसकी धर्म पत्नी अंजलि घर में ही रहकर मंगलवार का व्रत करने लगी। इस प्रकार से दोनों पति पत्नी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से मंगलवार का विधिवत व्रत करने लगे। एक दिन अंजलि ने मंगलवार को व्रत रखा, लेकिन किसी कारणवश उस दिन वह हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी और सूर्यास्त के बाद भूखी ही सो गई। तब उसने अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाए बिना भोजन नहीं करने का प्रण कर लिया। 6 दिन तक वह भूखी प्यासी रही। 7वें दिन मंगलवार को अंजलि ने हनुमान जी की विधिवत रूप से पूजा अर्चना की, लेकिन तभी भूख प्यास के कारण वह बेहोश हो गई। अंजलि की इस भक्ति को देखकर हनुमान जी प्रसन्न हो गए और उसे स्वप्न देते हुए कहा, उठो पुत्री, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ और तुम्हें सुंदर और सुयोग्य पुत्र होने का वर देता हूँ। यह कहकर पवन पुत्र अंतर्धान हो गए। तब तुरंत ही अंजलि ने उठकर हनुमान जी को भोग लगाया और स्वयं भी भोजन किया। हनुमान जी की अनुकंपा से कुछ महीनों के बाद अंजलि ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। मंगलवार को जन्म लेने के कारण उस बच्चे का नाम मंगल प्रसाद रखा गया। कुछ दिनों के बाद केशवदत्त भी घर लौट आया। उसने मंगल को देखा तो अंजलि से पूछा, यह सुंदर बच्चा किसका है? अंजलि ने खुश होते हुए हनुमान जी के दर्शन देने और पुत्र प्राप्त होने का वरदान देने की सारी कथा सुना दी, लेकिन केशवदत्त को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके मन में यह कलुषित विचार आ गया कि अंजलि ने उसके साथ विश्वासघात किया है और अपने पापों को छिपाने के लिए झूठ बोल रही है। केशवदत्त ने उस बच्चे को मार डालने की योजना बनाई। एक दिन केशवदत्त स्नान करने के लिए कुएं पर गया, मंगल भी उसके साथ था। केशवदत्त ने मौका देखकर मंगल को कुएं में फेंक दिया और घर आकर बहाना बना दिया कि मंगल तो कुएं पर मेरे पास पहुंचा ही नहीं। केशवदत्त के इतने कहने के ठीक बाद मंगल दौड़ता हुआ घर लौट आया। केशवदत्त मंगल को देखकर बुरी तरह हैरान हो उठा। उसी रात हनुमान जी ने केशवदत्त को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, तुम दोनों के मंगलवार के व्रत करने से प्रसन्न होकर पुत्र जन्म का वर मैंने प्रदान किया था, फिर तुम अपनी पत्नी को कुलटा क्यों समझते हो? उसी समय केशवदत्त ने अंजलि को जगाकर उससे क्षमा मांगते हुए स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन देने की सारी कहानी सुनाई। केशवदत्त ने अपने बेटे को हृदय से लगाकर बहुत प्यार किया। उस दिन के बाद सभी आनंद पूर्वक रहने लगे। मंगलवार का विधिवत व्रत करने से केशवदत्त और उनके परिवार के सभी कष्ट दूर हो गए। इस तरह जो स्त्री पुरुष विधिवत रूप से मंगलवार के दिन व्रत रखते हैं और व्रत कथा सुनते हैं, अंजनी पुत्र हनुमान जी उनके सभी कष्टों को दूर करते हुए उनके घर में धन संपत्ति का भंडार भर देते हैं और शरीर के सभी रक्त विकार के रोग भी नष्ट हो जाते हैं। यदि शनि की 7.5 हो तो उस प्रभाव को कम करने हेतु हनुमान की पूजा करते हैं। यह विधि इस प्रकार है। एक कटोरी में तेल ले व उसमें काली उद के 14 दाने डालकर
उस तिल में अपना चेहरा देखें। उसके उपरांत यह तिल हनुमान को चाहे। जो व्यक्ति बीमारी के कारण हनुमान मंदिर नहीं जा सकता, वह भी इस पद्धति अनुसार हनुमान की पूजा कर सकता है। खरा तेली शनिवार के दिन तेल नहीं बेचता, क्योंकि जिस शक्ति के कष्ट से छुटकारा पाने के लिए कोई मनुष्य हनुमान पर तेल जाता है, संभवत वह शक्ति तेली को भी कष्ट दे सकती है। इसलिए हनुमान मंदिर के बाहर बैठे तेल बेचने वालों से तेल न खरीद कर घर से ही तेल ले जाकर जाए। ऐसी ही भक्तपुर पौराणिक कहानियों के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए कमेंट अवश्य करें। ओम शांति।